हेलो दोस्तों, मैं पंकज चौधरी वेटरनरी सब में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के बारे में, जिसमें आपकी नर्सिंग की वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अलग अलग पोस्ट पे आपकी नर्सिंग की वैकेंसी है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा देखने की कोशिश करें कि कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है इसमें आपके लिए नर्सिंग के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीजनल नर्सिंग कंसंट्रेट RPMU, जिसकी नो पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे जिसकी नो पोस्ट रहने वाली है तो इसकी सैलरी होगी 30,000 सैलरी होगी। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए इसके लिए तो BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए उनके पास, या डिप्लोमा होना चाहिए इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बाद में आपका पास PG डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सेज लिखा हुआ है, तो इसमें ये घबराने कोई बात नहीं है। इसमें आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आप बिहार का वहाँ पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में जानते हैं। इसमें नेक्स्ट कम्युनिटी नर्स केस मैनेजर है, जिसकी 23 यानी 23 पोस्ट हैं, जिसकी यहाँ पे 30,000 सैलरी रहने वाली है पर मंथ। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे GNM कोर्स किया हो, एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या BSc नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो। यहाँ पे किसी के लिए भी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यानी कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि GNM को एक्सपीरियंस चाहिए या पोस्ट बेसिक को चाहिए, यहाँ पे किसी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और वही बात है, अगर आप बिहार में नहीं है अभी रजिस्टर्ड आपका नर्सिंग काउंसिल, तो आप बिहार रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल में काउंसिल तब कराएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की साइट भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, सीधा वहाँ से क्लिक करोगे आप फॉर्म फिल करने की साइट आपके वहाँ पर ओपन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है साइकेट्रिक नर्स NMHP, वहाँ पे 27 पोस्ट रहने वाली हैं, जो 40,000 इसका पर मंथ सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है, MSc नर्सिंग होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग रिकॉग्नाइज बाय INC से। और यहाँ पे असेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साइकेट्रिक नर्स के लिए, जो मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या एज का क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। एज का क्राइटेरिया एज ऑन 1/8/2019 तक रहेगा। यहाँ पे अनरिजर्व्ड या EWS के लिए 37 रहेगा, अनरिजर्व्ड EWS फीमेल के लिए रहेगा यहाँ पे 40, और BCMC के लिए रहेगा मेल एंड फीमेल के लिए रहेगा 40, SC ST मेल फीमेल के रहेगा 42, और 10 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि जो कि बॉडी PH फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए 10 ईयर अलग से वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन एज में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम आयु भी रखी गई है कि सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए 1/8/2019 तक आपकी। नेक्स्ट है कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो कब प्रारंभ होगा और कब आपका ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन बनने की प्रारंभ की तिथि है 19/11/2019 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से 19/11/2019 से आप भर सकते हो। आवेदन शुल्क आपका भुगतान करने की तिथि रहेगी 19/11/2019 से, और ऑनलाइन आवेदन बनने की अंतिम तिथि है 6/12/2019, यानी कि 6 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 6 दिसंबर तक ही आप शाम के 6 बजे तक भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट रहेगा। और सबसे पहले बड़ी चीज़ यहाँ पे संविदा के आधार पर ये सैलरी, संविदा के आधार पर ये पोस्ट रखी गई है, जो कि अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्य संतोषप्रद या कार्य रहने पर संविदा का विस्तार आपका 60 वर्ष की आयु के लिए कर दिया जाएगा, यानी कि आपका अगर कार्य वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रह जाता हो 11 मंथ से आपको सीधे 60 वर्ष तक की विस्तार कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट चीज़, और यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ सिर्फ जो स्थायी निवास यानी कि जिनका बोनाफाइड बिहार से है उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का यहाँ पे मिलेगा, अदर राज्यों वालों को जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ों की और जैसे निकल के आती आवेदन शुल्क की बात होती है कि सब पूछते थे कितना शुल्क रहेगा, यानी कि कितने पैसे भरेंगे फॉर्म के। तो सबसे पहले सामान्य के लिए यहाँ पे पुरुष सामान्य के लिए 500 रुपये, और जो सामान्य की महिलाएं हैं उनके लिए 250 रुपये रहने वाले हैं, जबकि EWS BC और MC के लिए पुरुष के लिए 500 और महिलाओं के लिए 250 रुपये रहने वाले हैं, यानी कि 250। SC ST बिहार डोमिसाइल का हो तो उसके लिए पुरुष के लिए 250 रहने वाले हैं और महिला के लिए भी 250, और दिव्यांगजन है फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 250 पुरुष और महिला के लिए भी 250 रहने वाले हैं। और इनमें चयन का आधार की बात करें अपन तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहने वाला है, प्लस आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपने जो भी जहाँ से भी
नर्सिंग करी है या पीजी डिप्लोमा किया है, वहाँ से आपके कितने मार्क्स आए हैं उन पे डिपेंड भी करता है इसमें आपका सिलेक्शन। तो सबसे पहले रीजनल नर्सिंग कंसंट्रेट में देख लेते हैं अपन कि इसमें 50% का तो सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें आपको 50 नंबर का सीबीटी एग्जाम होगा, जो 50 में से आपके कितने नंबर आते हैं, प्लस जो आपका 30 नंबर का यानी कि 0.3 ईच ऑफ परसेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि हर परसेंटेज का आपका 0.3 रहेगा, यानी कि 30 नंबर वहां से आपके लिए जाएंगे आपकी परसेंटेज में। और नेक्स्ट बात करें अपन कम्युनिटी नर्स केस मैनेजर की, तो वहाँ पे 23 पोस्ट रहने वाली थी, जिसमें 50 नंबर का सीबीटी होगा और 50 नंबर का यहाँ पे आपकी मार्क्स दिखे जाएंगे क्वालिफिकेशन में, जहाँ से आपने नर्सिंग करी है। नेक्स्ट है आपका साइकेट्रिक नर्स में, 27 पोस्ट रहने वाली है, 50 मार्क का आपका सीबीटी रहेगा और 50 मार्क का आपका डिग्री से लिए जाएंगे, आपका कितनी परसेंटेज के साथ आपने डिग्री पास करी है, ठीक है। और बात करते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात हो, और बाकी अगर आपके इसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्म भरने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहने वाला है वेरीफिकेशन के टाइम। आपकी कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड अप एप्लीकेशन, यानी कि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए आज जब आपने फॉर्म सबमिट करते हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज़ की अदंग फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी आपकी रिसेंट पासपोर्ट यानी अभी की कोई 5 फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट। जन्मतिथि के लिए आपका या तो मूल जो मैट्रिक की मार्कशीट होती है या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, डिग्रीज होनी चाहिए आपके, कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने कहीं काम किया तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वहाँ से एनओसी होना चाहिए, या फिर इफ़ कैंडिडेट वर्किंग एनीवेयर गवर्नमेंट, ये एनओसी की बात है। नेक्स्ट अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप के पास जो भी अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के आरक्षण का दावा रखते हैं तो उसमें जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित पत्र में निगम प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको वेबसाइट पर भी बता देता हूँ मैं, www.statehealthsocietybihar.org पे आपको केरल लिंक पे मिल जाएगा। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पता कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, कितनी एमबी की है, जो रंगीन फ़ोटो होने चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज 20 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और जो आपके साइन होते हैं वो 10 केबी से 100 केबी के बीच में होने चाहिए, वो भी जेपीजी जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। बाकी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।